मामला क्या क्या हुआ है, काहे वगैरह? हम लोग सिर्फ ना एक हम लोग सिर्फ मतलब मोहल्ले के आदमी सभी आदमी अभी जा रहे थे, हम लोग बोले जी जा रहे घूमने के लिए, और उसके बाद जाके ये सिपाही जी है इतना तेवर में बताए, इतना मतलब धमकी दे के हमको बताए जो मत। हम लोग तारा मंडल को देखने को लिया है, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। कौन अच्छा? बहुत बहुत अच्छा लगा है। बहुत आप दरभंगा के मूलवासी हैं? जी मूलवासी है, सिद्धारा चौक मेरा घर हुआ। आपको भगाया जा रहा था क्यों? हम लोग मोहल्ला के हम आए हैं अभी बोले हैं जो हम लोगों को थोड़ा जाने दीजिए, लेकिन मतलब वो सिपाही जी जो है इतना तेवर में बताए जो मत पूछे, जबकि हम बाहर सिपाही लोगों से पूछ के आए हैं जो हमको मतलब अंदर घूमना है क्या एलो है, तो हाँ आज सबके लिए एलो है, फिर जाके इस तरह से हाँ आज तक के लिए एलो है ऐसा बताए हैं। उसके बाद में पहली गेट पे बंद था, उसके बाद दूसरे पे, फिर इधर से मैं घूम के आई हूँ, जैसे ही यहाँ पे आई हूँ ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। नीतीश कुमार का हमारे तरफ से सबको एक तरफ से आशीर्वाद पढ़ना चाहिए और दरभंगा को चमका दिया और चमका देंगे। तेवर दिखा रहे हैं, पहले से पता था हम लोगों को कि आज फ्री होने वाला है। नमस्कार, नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है बने नमस्ते इंडिया के साथ। हम पहुंच चुके हैं तारा मंडल के ऊपर, ये ऊपरी हिस्सा है और यहां पहुंच चुके हैं, हम आपको आंतरिक हिस्सा दिखा चुके हैं और ये ऊपरी हिस्सा है, यहां पर कुछ लोग उपस्थित हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, तारा मंडल में घूमने का मौका मिला फ्री है? बहुत अच्छा मिला तारा मंडल को, बहुत। आज तो फ्री है ना? हाँ फ्री है। आज के बाद टिकट लगेगा? हाँ आज के बाद तो टिकट लगेगा। तो मिथिला में मिला है इतना बड़ा तारा मंडल, तो आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश है हम लोग, मिथिला में बहुत खुश है हम लोग, तारा मंडल को देखने को लिया है, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अच्छा चाची, आप बताइए कैसा लग रहा है तारा मंडल? अच्छा लगा हमको, अच्छा लगा, क्योंकि यही तारा मंडल देखने के लिए आपको पटना जाना पड़ता, अब दरभंगा में ही हो गया। तो कितना धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार जी को, अच्छी है कि आपके घर के बगल में ही तारा मंडल दे दिए। चलिए चाची बोल नहीं पा रही हैं, इनसे कुछ आपसे पूछ लेते हैं। आप बताइए, कभी तारा मंडल देखे थे इससे पहले? नहीं देखे थे कभी, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आप कहाँ के वासी हैं? हम लोग शिवधारा आजमनगर के वासी हैं। शिवधारा आजमनगर बगल के ही वासी हैं। तो आप बताइए, आपके बगल में तारा मंडल मिला है, अब आपके व्यवसाय में तो 4 चांद लग जाएंगे। बहुत हौसला मिला हम लोग को, बहुत अच्छा। तो चलिए व्यवसाय कीजिए, नज़दीक में तारा मंडल खुला है, अब जाके टूरिस्ट आएंगे और आप लोगों का व्यवसाय बहुत तेज़ी से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पीछे से ऊपर आए फिर अंदर में देखे होंगे, कैसा लगा तारा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा है। बहुत। आप दरभंगा के मूलवासी हैं? जी मूलवासी है, सिद्धारा चौक मेरा घर हुआ। अच्छा जी, नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा जाता है, ये कहां तक सच्चाई है? बहुत अच्छा सच्चाई है, लेकिन इस पे और अच्छा से ध्यान देना चाहिए। अच्छा। नीतीश जी को, आपको नीतीश कुमार जी आपको ये तारा मंडल दे दिए और आपको बहुत सारे चीजें अभी दिए हैं, जैसे म्यूजियम भी है, उसमें भी बहुत सारा काम हुआ है, तो कैसा लग रहा है अब दरभंगा? बहुत अच्छा लग रहा है दरभंगा के लिए, बिहार में आप दरभंगा चर्चित जगह हो गया। जी जी जी, तो नीतीश कुमार जी को क्या धन्यवाद नहीं दीजिए? जी धन्यवाद देते हैं उनको, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला आज फ्री है, फायदा उठा रहे हैं। उनको नीतीश कुमार का हमारे तरफ से सबको एक तरफ से आशीर्वाद पढ़ना चाहिए और दरभंगा को चमका दिया और चमका देंगे। तो चलिए, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, दरभंगा वासी बहुत खुश हैं, क्योंकि इनको मिला है तारा मंडल, बिहार में ये दूसरा तारा मंडल है और दरभंगा को ही दिया गया है। 1993 में तारा मंडल पटना को मिला था और 2023 में दरभंगा को मिल गया है।
ये बहुत खुशनसीब है ये लोग और यहाँ के वासी कि इन लोगों को ही तारामंडल दिया गया है। इससे पहले कई शहरों को नाम दिया गया था जिसमें उस शहरों को रिजेक्ट करके दरभंगा को चयन किया गया है। कंसी गाँव से आए हैं। कंसी जी जी, कंसी यहाँ से दूर है 9 किलोमीटर पश्चिम जी, 9 किलोमीटर जी। आप बताइए क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद लेके आए हैं कि आज जो है फ्री सेवा में जो है लाभ लेने आए हैं कि अपना एंजॉय करने की। फ्री सेवा में जी, पहले से पता था क्या फ्री होने वाला है? जी आज पहले से पता था हम लोगों को कि आज फ्री होने वाला है। कि ये लोग पहले से पेपर देख चुके थे या फिर टीवी चैनलों में देख चुके थे कि फ्री होने वाला था और आज बिल्कुल फ्री है और बहुत सारे यहाँ पर दर्शक है वो आ चुके हैं और जो विजिटर है जो दूर दूर से आए हैं वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, आप लोग गाँव से चल के आए हैं और गाँव के लोगों को तारामंडल या ऐसी चीज देखने में थोड़ा टाइम लगता है। जी जी जी, तो पहली बार देख रहे हैं? पहले पटना में देख चुके? पहले बार यहाँ देख रहे हैं। पहले बार देख रहे हैं। अच्छा, अंदर जाके देखे आप? जी अंदर जाके देखे हैं। कैसे आपको ग्रह कैसा लगा? बहुत मस्त लगा हमको, जैसे इसमें क्रॉस करने के बाद ही हमको बहुत संतुष्टि मिला कि बहुत मस्त है। चलिए, इन लोगों को बहुत खुशी है और हम और व्यक्तियों से बात करने की कोशिश जारी रखेंगे। तारामंडल घूमने आए, इनके साथ अव्यवहार हुआ है, आखिर क्यों? तारामंडल सब घूम रहे हैं, इनके साथ क्यों हुआ? क्या चीज आपको भगाया जा रहा था? क्यों? हम लोग मोहल्ला के हम आए हैं, अभी बोले हैं जो हम लोगों को थोड़े जाने दीजिए, लेकिन मतलब वो सिपाही जी जो है इतना तेवर में बताए जो मत पूछे, जबकि हम बाहर सिपाही लोगों से पूछ के आए हैं जो हमको मतलब अंदर घूमना है क्या अलाउ है, तो हाँ आज सबके लिए अलाउ है, फिर जाके आज तक के लिए अलाउ है ऐसा बताए हैं। उसके बाद मैं पहली गेट पे बंद था, उसके बाद दूसरे पे, फिर इधर से मैं घूम के आई हूँ। जैसे ही यहाँ पे आई हूँ यह बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। क्यों, क्या वजह रहा? नोटिस दिखाए? कुछ भी नहीं दिखा है, कुछ भी नहीं। उसके बाद टेबल दिखा रहे हैं हमको। अच्छा, टेबल दिखा रहे हैं? क्या टेबल दिखा रहे हैं? खाली करने का आदेश हुआ है। आदेश हुआ है? हाँ। अच्छा, इसीलिए ना आए, नहीं तो हम लोग क्यों आते? नहीं, महिलाएं तो थोड़ा कम मतलब नहीं, हम नहीं। अच्छा, महिला इतना है कहीं आदमी, और उसके बाद बोले क्या हम बुला के दिखा देते हैं, आप इस तरह से मेरे साथ कर रहे हैं। महिला है, महिला तरह बात कीजिए, हम क्या इतना बोले? आप पुलिस के साथ व्यवहार मतलब झगड़ा किए हैं क्या? हम ऐसे झगड़ा करेंगे? हो गया, जाइए ना। देखिए, आप भी मिस महिला है, तरीका से बोले हैं। कौन बोले बेतरीका से? और कुछ है? नहीं, इनको कुछ तकलीफ? इधर सर, हाँ, फर्स्ट ईयर हो जाए इतना कांड हो जाएगा? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, एक मामला क्या क्या हुआ है? काहे वगैरह हम लोग सिर्फ ना एक, हाँ, हम लोग सिर्फ मतलब मोहल्ले के आदमी, सभी आदमी अभी जा रहे थे, हम लोग बोले कि जा रहे हैं घूमने के लिए, और उसके बाद जाके ये सिपाही जी है इतना तेवर में बताए, इतना मतलब धमकी दे के हमको बताए जो मत पूछिए। आप महिला हैं, आप महिला का अधिकार है कि कम से कम कहीं आ सके और जा सके, अगर इधर से अगर एंट्री मिल गया